कहीं कुंवर जगमाल को? कुंवर जगमाल, अरे वाह, अब भला ये भी कोई बात हुई? हमारे आने के पहले ही सो गई आप। ये है पति का महत्व। ठीक है, ये है तो यही सही। पति का कोई महत्व ही नहीं प्रताप। ठीक है, जैसे कलांतर में कुंभकर्ण था वैसी हमारी पत्नी है। ठीक है, यही सोचकर सो जाएंगे। क्या नहीं ढूंढा हमने आपको? कुंवर जगमाल, हम जानते हैं कि भोजन के समय जो कुछ भी हुआ उससे आपको बहुत दुख हुआ होगा, परंतु हम क्या करते? हमारे लिए भी वो सब कुछ अप्रत्याशित था कुंवर जगमाल। हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा निर्णय। तो आप क्या आस लगाए बैठी थी कि आपके पति आपके पुत्र को युवराज घोषित कर दें? ये एक नया अस्त्र है, बंदूक कहते हैं इसे। अब कम से कम कुछ नहीं तो मानसिक संतुष्टि तो देगा ही हमें। चोट लग जाएगी आपको कुंवर जगमाल। जितनी चोट आपने हमें पहुंचाई है ना रानी माँ, उतनी ये क्या पहुंचाएगी? हम कैसे चोट पहुंचाएंगे आपको कुंवर जगमाल? हम ऐसा कर सकते हैं क्या? क्योंकि आप अपने पुत्र से अधिक अपने पति को प्रेम करती हैं। ये कैसी अनर्गल बातें कर रहे हैं आप? सच बोल रहे हैं हम। आप जानती थी कि कुंवर प्रताप के रहते राणा उदय सिंह हमें कभी भी उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेंगे, फिर भी आप उन्होंने जीवित रहने दिया। क्या किया आपने? हाँ, क्या किया? वर्षों से ये विजय चूर्ण उनके पान में डालते आई आप, और वो भी थोड़ा थोड़ा। ये तो हम पूरा मुट्ठी भर के खा सकते हैं। कुंवर जगमाल, सही कर रहे हैं हम, क्योंकि आप तो व्यर्थ में इधर उधर तीर चलाती रहती हैं, जबकि आपको करना ये चाहिए था कि सीधा ऊपर पहुंचा देना चाहिए था राणा उदय सिंह को, लेकिन लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। किंतु आज हम समझ चुके हैं कि आप अपने पुत्र से ज्यादा
उनसे प्रेम करती हैं, राणा उदय सिंह से। पागल हो गए आप कुंवर चक। हाँ, पागल हो गए हम, हो गए हम पागल। लेकिन हमें पागल बनाया किसने? आपने रानी माँ, आपने। कुंवर प्रताप की जय जयकार सुन के कान बट गए थे हमारे, लेकिन आपने, आपने फिर भी कुछ नहीं किया, क्योंकि आप एक मन बुद्धि निर्बल व्यक्तित्व वाली साधारण औरत हैं, एक पति के पांव की जूती। कुंवर चकमान, इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम इस चमत्कारी अस्त्र जिसे बंदूक कहते हैं, इससे पूरे राज परिवार को खत्म कर देंगे। और जब जब कोई बचेगा ही नहीं, तो फिर हमें तो बनना पड़ेगा ना मेवाड़ नरेश, क्योंकि मेवाड़ का राज सिंहासन तो रिक नहीं रह सकता ना। नहीं नहीं कुंवर चकमा, सही कह रहे हैं आप, सबको मारना चाहते हैं ना राजमहल में, हम मार देंगे, परंतु एक एक करके ना, योजना बना के। नहीं 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 नहीं, अब कोई योजना नहीं, क्योंकि आपकी तो सारी योजना असफल होती है, इसीलिए अब हम पूरे राज परिवार को समाप्त करेंगे और आप भी हमें नहीं रोक सकती। अच्छा, हम कुंभकर्ण। हाँ, आप कुंभकर्ण। और आप कौन, ये किस समय अपने शयन कक्ष में आने का? आपको पता है हमने आपकी कितनी प्रतीक्षा की और आपने कुछ ही प्रयासों के बाद हार भी मान ली, और क्या नाम दिया आपने हमें? वाह कुंभकर्ण, हमने कुछ पर प्रयास किया, हम तो कब से प्रयास कर रहे थे, पर आपकी निद्रा स्वांग जो है टूटने का नाम नहीं ले रही है, ये कौन सी बात हुई? अच्छा, ऐसा कितना समय लगा दिया आपने हमें जगाने के लिए, और स्वयं को ही पर्याप्त मान लिया आपने, जबकि आप कितना कितना समय देते अपने राजनीतिक मंत्रणाओं को, कितना कितना समय देते अपने शासकीय समस्याओं को। अगर आपके सेना में किसी सैनिक को कवच थोड़ा सा भी चुभ रहा हो ना, तो आप घंटों लगा देते उसके कवच को ठीक कराने में, और अपने पत्नी के लिए इतना सा धैर्य। अच्छा अच्छा, ठीक है, आपकी बात समझ गए, अब हम आ गए ना, हम कहीं नहीं जा रहे, पूरा ध्यान पूरा समय बस आपके लिए। इसका भी पता चल जाएगा अभी, सारा समय सारा ध्यान बस आपका। हे भगवान, मुगल कहाँ है? मुगल सारा समय सारा ध्यान आपका, आपके वचन तो एकदम कच्चे निकले कुंवर प्रताप। अच्छा, हम सही प्रयास कर रहे थे, छोड़ा आपको बिजोलिया वापस। क्यों, फिर से एक बार हमारे लिए उपहार एकत्रित करना आरंभ करना चाहते हैं आप? तो हमारे पूरे कक्ष की छानबीन की आपने? कक्ष की नहीं, आपके मन की, जहां से किसी की भावनाओं को आप बाहर नहीं जाने देते, इतना प्रेम भला कोई मन में कैसे छुपा सकता है? हमारे मन और कक्ष में छानबीन करने का अपराध किया है आपने, स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए उसका दंड। कुंवर चकमा, हमने हमेशा आपका साथ दिया है ना, हर योजना में दिया है, तो फिर इस योजना में भी देंगे ना आपका साथ? नहीं रानी माँ, बस रानी माँ, अब किसी काम की नहीं है, बल्कि आपने तो हमेशा हमें सही करने से रोका है, इसलिए क्या कुछ? इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि क्या कुछ राज परिवार का मारने का शुभारंभ। सिकर
सिराज प्रताप मान जान अजबते राव हमें मारेंगे आप, हम तो आपके सब कुछ है ना कुआ चकमा। छल किया आपने हमारे साथ, हमारी इच्छाओं हमारे सपनों के साथ। यदि आपको लगता है कि हमने आपके साथ छल किया है तो मार दीजिए अपनी आत्मा को, मार दीजिए, मारिए कुआ चकमा। कैसा स्वर था? हमें लग रहा है बंदूक की आवाज थी। एक लिंग जी, राजीराज ठीक हो? ये क्या कह रहे हैं आप? अभी ही कक्ष में रहिए, हम भी आते हैं। हम भी आपके साथ आएंगे। चलिए। चला दी। और यदि तुरंत ही आप नहीं मरी ना तो हम फिर से चलाएंगे आप पे बंदूक। नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलते, देखिए हम अभी उठेंगे, एक एक दूसरे पे देखेंगे। क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आप सदा के लिए अपनी चीर निंद्रा में डूबने वाली। ऐसे नहीं बोलते। अरे रानी माँ, कोई जगमा नहीं तो आप फिर से बंदूक चला देंगे आप पे। कोई जगमा, कोई जगमा, कोई प्रताप। शीघ्र चलिए जाते हैं। एक लीजिए, ताजी रात ठीक हो। अभी अभी हम लोग को भयानक चल। रानी माँ, आइए, अब आपकी बारी मान। रुको, अब तो तुम्हारी बारी है। बहुत आनंद आएगा मान। रुको, रानी माँ की बात सुनो। दूसरी बार वही स्वर। रानी माँ छुड़िया में बहुत हमें जाने दीजिए, अभी हमें सबको मौत के घाट उतारना है। छोड़ दीजिए हमें, छोड़िए। What?
वन राजिया रानी मां वन वन भाग रही है बहन मान, आज तो आपका मृत्यु दिवस है, तो फिर क्यों भाग रही है इस सच से? देखिए, अपने दादा भाई के लिए एक घड़ी और कठिन मत कीजिए, हंसते हंसते लगा लीजिए मृत्यु को अपने गले। और वैसे भी आज तो सबका मृत्यु दिवस है, आप अकेली थोड़ी ना मर रही हैं। क्यों ना मान? 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 मान दरवाजा खोलिए मान 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 ये कैसा बचपन है मान, अपने दादा भाई पे थोड़ी तो दया कीजिए, एक एक अर्थहीन जान ही तो मांग रहा है ना आपसे, खोलिए ना द्वार मान, हमारा विश्वास कीजिए, आपको आपको रानी माँ की तरह भी पीड़ा से छटपटाना नहीं पड़ेगा मान, दरवाजा खोलिए मान, मान खोलिए ना मान, दरवाजा खोलिए ना मान, मान मान खोलिए द्वार मान, मान ये कौन आ रहा है? हमारी प्यारी बहन, लगता है आपसे पहले हमें एक और शिकार मिल रहा है, लेकिन आप घबराना मत, क्योंकि हम शीघ्र ही आएंगे आपके पास वापस। चांद अरमान को देखे, तब तुम दादाज को देखते जाइए। दादा भाई, भाई, हे एकलिंग जी, न जाने किसे गोली लगी होगी, For more updates, subscribe to our channel.
Click the show links below and enjoy watching the videos.